दोस्तों नमस्कार, यूथ सशक्त भारत में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए आया हूँ। जिस तरीके देखते हैं कि हम हर महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए आता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपसे बात करनी है कि आप पढ़ना नहीं चाहते, क्या करना नहीं चाहते, ये भी समझ में नहीं आता। इतना अच्छा इस तरीके खोज खोज के हम लाते हैं। आपकी क्लास इतिहास की सर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये भी पढ़ा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि थोड़ा सा जो लोग मतलब आपको जो अच्छा लगता है वही पढ़ाते हैं। कहने का मतलब जो एग्ज़ाम में फंसेंगे ये चीज़ें पढ़ाया जाता है, और आप वही जो है खाली बस जो चीज़ आते हैं वही बार बार देखते हो, तो वो चीज़ें आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, जिससे लगता है कि आपको सब याद है। लेकिन जो चीज़ें नहीं आती है ये चीज़ें पढ़ाना, खोज खोज जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये समझ लो बहुत ही कठिन चीज़ होती है। लेकिन सर ने बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा क्लास कि मतलब कई तरीके से चीज़ें देते हैं आपको ला के, और नोट कराते भी हैं। टोटल जो है एक एक तरीके से बताते हैं, डिफाइन भी करते हैं। कल की क्लास में आप देख लीजिएगा, और मेरी क्लास सी आई आपको इतने अच्छे तरीके से बताया हूँ। हमको लगता है इससे अच्छे तरीके कोई बता नहीं पाएगा। और मैंने बताया था कि आपको जिस तरीके से SI को जो है दो तीन तरीके से मैं बताया था, इसमें भी हम दो तीन तरीके से बताएंगे। हम इस तरीके बताएंगे, तोड़ तोड़ कर बताएंगे। बस आप पढ़िए, और सब लोग लाइक नहीं करते, जितने लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, देख ही रहे हैं ना, आप पढ़ते भी नहीं हैं हमको लगता है। लेकिन आप पढ़िए मत, उम्मीद मत छोड़िए। अभी ये सुबह चाय पीने में गया था जो है, और एक लोग मेरे मित्र हैं, मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि सर जो है हम हार मान लेते हैं यार, इतनी सी छोटी सी बात पे मतलब ये कहने की उम्मीद तोड़ देते हैं। उम्मीद पे स्टूडेंट का उम्मीद तो सब कुछ होता है। और बताइए, जो लोग सफल हुए उम्मीद नहीं लगाए हैं, अपने लक्ष्य को नहीं साधे हैं, एक ही बार थोड़ी ना सब होते हैं। लेकिन आप लोग इस चीज़ को नहीं नोटिस कर रहे हैं, और आप पढ़ते नहीं हो और अपने समय को गंवाते हो। क्योंकि देखिए, वैकेंसी तो आना है, तय है, आप जा रहे हो, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। साथ साथ हर चीज़ें जो है पढ़ना है आपको। और इसीलिए मैं ज्योग्राफी क्लास लेके आना वाला था। ज्योग्राफी क्लास मैंने 10-15 दिन लेट किए हैं, कि हमें लगता है कि आप लोग इसके लिए नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसलिए जो चीज़ पढ़ना ही चाहते हैं, मैथ पढ़ाऊँगा। अगर इसकी ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हाँ सर लेके आइए, चीज़ें मैं बताऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस आप समझते रहिए। और मैं ज़्यादा बातचीत करना करके जो है इसी चीज़ को यहीं समाप्त करता हूं, और सारी चीज़ें आपको जो है आगे बढ़ाता हूं। CI इससे कल मैंने बेसिक बताया था, और थोड़े से तरीके से मैंने एक जनसंख्या को, आपको याद होगा परसेंटेज जनसंख्या में सवाल बताए थे आपको। हम नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा, मेरी बात मान लीजिए, देख लीजिएगा, और तब समझ में आएगी सारी चीज़ क्लास। क्योंकि हर क्लास को हम तोड़ तोड़ कर बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, बस इतनी सी होती है। सोच लीजिए, इतनी हमारी तबीयत ख़राब थी, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हम खड़े होकर आपको पढ़ाए हैं। बस आप जो है रेगुलर पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए आप जितने भी लोग देखिए सब लोग लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक पहुँचाइए, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। अभी ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। ज्योग्राफी क्लास वही कर हम इस तरीके पढ़ाएंगे कि आपको दोबारा पढ़ना कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना जान लीजिए, और सारी चीज़ें आपको फ्री मिल रही है, इतना जाने। और टेलीग्राम चैनल पे सब लोग ग्रुप में जुड़ जाइए अच्छी तरीके से, और जुड़ते रहिए। साथ साथ आप, मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टाइम लेगा, क्लास लंबी हो जाती है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें देखे होंगे हम, मैंने परसेंटेज जनसंख्या, इसलिए देखिए क्रम वाइज में पढ़ा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। परसेंटेज मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि किसी वर्ष को मतलब वर्ष के अंतराल बढ़ता गया जनसंख्या की, उसकी जो एवरेज बताया था मैंने, परसेंटेज बताया था। तो चीज़ें इस तरीके भी लगेगा, सारी चीज़ें लगेंगे इसी तरीके बताएंगे, फार्मूला नहीं बताएंगे। मेरा काम फार्मूला नहीं, मेरे देखिए ये मेरा सेशन है ट्रिक का मैथ, लेकिन मैं जो है आपको समझाने के लिए मैं बेसिक बताता हूँ, नो फार्मूला कुछ नहीं, मेरे ट्रिक सारी चीज़ें ट्रिक। तो इतना जानिए, फार्मूला तो जब बचपन से नहीं पढ़े हैं तो अब फार्मूला पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। बस आप कंटिन्यू बने रहिए, सारी चीज़ें मैं दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं दूंगा।
जैसे CI चक्रवृद्धि ब्याज, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि जान लीजिए किसी कार्यालय किसी बैंक द्वारा किसी राशि को बैंक 1,000 रुपया देता है 10% वार्षिक ब्याज पे, 10% वार्षिक ब्याज पर और 2 साल के लिए, 2 साल के लिए और दो वर्ष के लिए, सॉरी या ईयर लिखिए, एक ही है दोनों इंग्लिश में के लिए, पूछता है कि इसका CI कितना होगा या कितना चुकता करना पड़ता है। मान लीजिए हमको कोई बैंक 1,000 रुपये देती है, और 10% ब्याज की दर से और 2 वर्ष के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज से देती है, तो उसकी चक्रवृद्धि ब्याज सहित हमको कितना मतलब वापस करना होगा, चीज़ें पूछ रहा है। और इसके बाद ये भी पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना होगा, कहने का मतलब ब्याज और मिश्रधन, मैंने बताया था मिश्रधन कितना होगा, आपको बताए थे, तो आप जान लीजिए ये चीज़ें मेथड देखिए, हम आपको बताएं कि मैं फार्मूला वाला नहीं बताऊंगा, आप बस पढ़ते रहिए कंटिन्यू, फार्मूला वाला नहीं बताऊंगा, बस आप थोड़ा समझते रहिए और समझिए इस चीज़ को। मैंने बताया किसी कार्यालय या किसी संस्था, किसी कंपनी से या किसी व्यक्ति से हम जो है 1,000 रुपया लेते हैं, 1,000 रुपया लेते हैं और 10% वार्षिक दर से, और दो साल के लिए लेते हैं, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना वापस करना होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज और हमारा प्रिंसिपल मिला के मिश्रधन होता है, टोटल मिश्रधन कितना होगा, कहने का मतलब हम चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज और प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। इस चीज़ को मैंने बताया है कल भी, कल की क्लास आपने देखा होगा, मैंने तोड़ तोड़ कर बारीक बारीक बताया है, और अभी कल के टाइप तो बताए थे, आज और टाइप आपको बताएंगे, बस आप समझते हैं जिससे मेथड से आपको समझ में, सूत्र वगैरह भूल जाइए किस तरीके सूत्र होता है। आप थोड़ा यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, दिया क्या है मूलधन, दिया है 1,000 रुपये ना, रेट दिया है दर 10%, टाइम दिया है या समय, टाइम दिया है 2 वर्ष, पूछ कितना रहा है CI पूछ रहा है, तो CI निकालने के लिए हमको सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, बस आपको करना है जिस तरीके हम बताते जाए इस तरीके करते जाइए, बस आपका खुद ही बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए अभी 1,000 का 10% का परसेंट मैंने पढ़ा चुका हूँ, और आपको ज़्यादा डिफाइन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछली क्लास करेंगे तभी आपको समझ में आएगी। 1,000 का 10% हमारा ब्याज होगा, एक वन टू ईयर पूछा ना, टू ईयर के लिए वन ईयर टू ईयर मैंने बताया कि CI होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है और CI क्या होता है। ब्याज का ब्याज देना, मैंने कल की इस क्लास में बताया ब्याज का ब्याज देना, जिस तरीके उसमें SI में नहीं था, SI में जो लिमिट होता है बस ब्याज का ब्याज ही देना, मूलधन का जो है ब्याज ही देना बस इतना था, लेकिन इसमें क्या है CI में ब्याज का ब्याज देना।
जैसे आप समझ लीजिएगा ब्याज का ब्याज देना, 1000 का ब्याज 100 रुपया हो रहा है, 1000 का 10% ब्याज 100 रुपया हो रहा है एक ईयर का, फिर दोनों ईयर का मैंने कल बताया था चीज़ें समझ लीजिएगा होगा, अब इसका 10% कह रहा है, इसका 10% दूसरी बार तो ऐड होगा ना, इसका 10% दूसरी बार ऐड होगा ना, पहले तो 100% रहेगा आपका 10% सॉरी 1000 का 10% 100 रुपया आएगा, इसके बाद दूसरा साल का 100 रुपया आएगा, लेकिन पिछली वाले ब्याज का ब्याज हमारा 10% आएगा, 10 रुपया आएगा। आप इसी को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया प्लस 10 200, कहने का मतलब 210। इस तरीके सवाल लगाएंगे, इस तरीके लगाएंगे, और मैंने बताया जनसंख्या जिस तरीके, कहने का मतलब हमारा सी आई या अब यहीं पूछ लिया मिश्र धन, मैंने बताया है यहीं पूछ लिया मिश्र धन, मिश्र धन के लिए मैंने बताया है ब्याज ब्याज और प्लस मूलधन प्रिंसिपल, जोड़ेंगे हमारा मिश्र धन आ जाएगा, कहने का मतलब आप हमारी चीज को मेरी बातों को पकड़िए और समझिए। देखिए अगर आप बात को पकड़ ले गए, कुछ नहीं करना है, बस यहीं से आंसर आंसर मार देना है, अगर कहीं दशमलव उसमें आती है ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा, मंथली में आती है ये भी मैंने जैसे SI में बताया इस तरह CI में बताऊंगा, बस आप समझिएगा। यहाँ तक हो गया, कहने का मतलब हमारा ब्याज जो है CI जो है चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 210 आया, और हमारा मूलधन प्रिंसिपल ये चीज़ें हैं, तो 1000 था प्लस 210, करने का मतलब 1210, 1210 हमारा मूलधन, देखिए जोड़े कि नहीं जोड़े हैं, मूलधन हो गया प्लस ब्याज। देखिए इतना चीज़ें आपको टुकड़ टुकड़ के बता रहे हैं, इतना कोई बताएगा नहीं, किसी क्लास से पढ़ लीजिए चाहे जैसे पढ़ लीजिए, कहने का मतलब जो चीज़ फ्री मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती, आप जानते हो हम आपको फ्री दे रहे हैं चीज़ें, और अभी यही आपको पैसे लगा के दिया जाए तो ये चीज़ें आप वैल्यू समझेंगे, आप पढ़ेंगे, इसलिए आप पढ़ते रहिए, हम फ्री में दे रहे हैं आपको, पढ़ते रहिए, सब लोग पढ़िए, क्योंकि मैंने जिस तरीके बताया है कि आपका मैथ स्कोरिंग हर एग्ज़ाम के लिए पावर साबित होता है, आप भीड़ में से इकट्ठा उठा के इतने भीड़ में आ जाएंगे कंपटीशन में, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप जो है नहीं मानेंगे। खैर सब बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, लगे रहिए कंटिन्यू, उम्मीद मत तोड़िए, पढ़ना है सुपर टेट का, मैं सारा मैथ सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर कहीं नहीं आना, बस इस तरीके कोई पढ़ा दे बताना मुझे, ज़्यादा इस तरीके नहीं विद्वान बनना है हम लोगों को, किस तरीके फाइट करना है और सिलेक्शन लेना है वही चीज़ें हैं, अगर पढ़ाना हो विद्वान बनना हो तो बचपन से ही बेसिक पढ़ो पढ़ाओ और बेसिक चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो भी बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, मैं UP टेट में 28 नंबर कर रहा हूँ और सुपर टेट में 18 नंबर कर रहा हूँ, और ऑल एग्ज़ाम के लिए मैं देता हूँ कि 80% जल करके आएंगे आप, इतना मैं कहता हूँ, बस आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप समझिए बस। जैसे मैंने बताया आपको समझते रहिए, 45,000
की राशि पर 10% की वार्षिक दर पे 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? 2 वर्ष के अंत में पहला साल, दूसरा साल ऊपर लगा दे क्या, अंत नीचे लगा दे? आपको इसका 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा 4,500%। निकालने के लिए बताए हैं, नहीं निकालने के लिए भी कल ही बताए हैं, पढ़ लीजिएगा और मेरी बेइज्जती मत कराइएगा, बस इतना जान लीजिए कि इतना पढ़ाने के बाद परसेंट ना निकाल पाएँ तब तो नहीं सही है चीज़ें। आप पढ़िएगा, कल भी मैंने बताया था और परसेंटेज जिस तरीके बताएगा आपको समझ में आएगा। और दूसरा साल का ब्याज 45। कहने का मतलब पहला साल 4,500, दूसरा साल 4,500। अब ब्याज का ब्याज खाली देना है 10%, ब्याज का ब्याज देना है। और ब्याज का ब्याज देने के लिए अगर 10% निकालेंगे तो 450 होगा। अभी ऐड कर दीजिए आपका आ जाएगा, इसको मत ऐड कर दीजिएगा, ये बस आपको समझाने के लिए बताएं कि आपके दिमाग बैठे। आप नोटबुक बनाइए, आपको नोटबुक कोई पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। 450 और 9,000 कहने का मतलब आप चीज़ें समझिए, आप समझ आइए, बस पढ़ते रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा, समझ लीजिए दोस्तों। नोट करते जाइए, अब क्वेश्चन नोट कीजिए। इतने सरल और इतना मतलब अच्छे तरीके से बता रहा हूँ आपको, बस आपको समझना है। एक सवाल आप कहिए मैच करवा दें, खैर छोड़िए बता रहे हैं अभी हो जाएगा। 16,000 रुपये के 5% के वार्षिक दर पर 16,000 रुपये 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? थोड़ा लेवल छोटा है लेकिन आपको सिखाना, मुझे आपको सिखाना है। जिनको आता है इनको सिखाने जरूरत नहीं है, फिर उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत हो कर ले जाएंगे। मुझे आपको सिखाना है, किस तरह सिखाना है, किस तरह क्वेश्चन करना है भी बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था 16,000 मैंने आपको बताया था, आप इस तरीके भी लगाइए जिससे बताए थे, प्रिंसिपल मूलधन 16,000 रेट दर 5% समय टाइम 3 वर्ष। मैंने आपको बताया था इसका 5% निकालेंगे, 5% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो आया कितना आएगा? 1600 आएगा। 5% निकालेंगे तो 1600 का आधा कर दीजिए, 800 आएगा। कहने का मतलब पहला वर्ष 800, दूसरा वर्ष 800, तीसरा वर्ष 800, 800 आया नहीं आया? अब इसका 10% इसका 10% कितना होगा? 80 होगा नहीं होगा?
इसका 10% 80 होगा नहीं होगा, नहीं समझ में आया, सॉरी 10% नहीं 5% है, 5% 5% तभी 40 होगा। अगर 10% तो 800 आता, 80 आता, सॉरी 80 आता, अगर 5% तो 40 आता, आया नहीं आया। आप यही समझिएगा, आप थोड़ा देखिए बारीक समझिएगा, कहने का मतलब इसका इसका 10% इसका सॉरी 10% इसका 40 और 10% इसका 40, 10% इसका और 10% इसका 40, समझिएगा बस, और समझते रहिए। और इसका 5% निकालेंगे, 40 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 540, 40। क्वेश्चन गलत है क्या, रुकिए बता दें, थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन हो जाएगा ये, थोड़ा सा आप तो 60 फॉर्म बता देंगे, क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है ना, तभी शुरुआत है ना, थोड़ा लेबर उठा देंगे, समझ नहीं आएगा आपको। इसका 10% 40, 5% 40 और 16 का 5% निकालेंगे, 16 5 80, फिर क्या दिया है, 16 से 80 यहाँ आया, 8 दुनी 16 1640 इसका निकालेंगे। उस तरीके थोड़ा सही था, लेकिन आपको अभी लेबर उठाएंगे नहीं, अभी आगे बताएंगे, कल बताए थे आपको और बताएंगे कल आगे जो है 5% इसका, सॉरी 8, कहने का मतलब सब मिला के आपका 82 आया, जोड़ना नहीं इसको, 82 आया, यहाँ तो निकाल ही दिए आप दोनों के, 16 8 दोनों 16 हो गया, 16 हो गया, इसका जो है 5% निकाल के 1640 यहाँ निकल गया, ठीक है। अब इसे ऐड कर दीजिए, 82, इससे नहीं ऐड करना है, इसको ऐड कर चुके हैं, 82 प्लस 8 3 24 240, 2400 प्लस 2400 82, सॉरी 2482, गर्मी दिमाग नहीं काम करता, 2482 ऑप्शन नहीं उठे क्या, हाँ 2482 आपका आंसर आएगा। और चीज़ें बताएंगे, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी पढ़ाना समझ लीजिए तो, या आप अपने आप को और अगर नहीं समझ में, एक टाइप में बता दे रहा हूँ, जो अब जनसंख्या वाला टाइप है भी बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए जनसंख्या वाला टाइप बता दे रहे हैं अभी, समझ लीजिए आप, कुछ नहीं करना है। मैंने बताया था, अगर जनसंख्या वाले बताया था कि अगर हर वर्ष बढ़ते हैं तो 100 होगा, तो 100 अगर 10% बढ़ते हैं तो 110 होता है, अगर 5% बढ़ते हैं तो 105 होगा, और नीचे 5 100, इस तरीके होता था, तो इससे काटते थे 21 20,
और 21 याद आ गया होगा, 21/20 जितना वर्ष पूछेगा उतना बस गुणा करते चले जाएंगे। जनसंख्या वाला पिछला पढ़ लीजिएगा तो बताइएगा, बहुत ही आसान तरीके से अभी बता दे रहे हैं। 16,000 21/20 तीन वर्ष दिया है, तीन बार गुणा करेंगे 21/20 एक 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 एक, सॉरी एक जीरो नहीं कटेगा, 16,000 ना, हाँ तीन जीरो ना, तीन जीरो कट जाएगा, हाँ तीन जीरो कट जाएगा। अब आया कितना, आठ चार, इससे गुणा करेंगे कहिए, पच्चीस सौ बाईस, इसका आंसर सही है। अच्छा एक चीज, अभी जो उस टाइप लगाए थे क्वेश्चन, 40 ऐड करने को भूल गए थे आपको, 40 ऐड करने भूल गए थे, इतनी गर्मी है प्रेशर है, 40 ऐड करने भूल गए थे, इसलिए 2400 कितना आ रहा था, 40 ऐड करते आ जाता, लेकिन इस तरीके लगाएंगे, इस तरीके देखिए, मैं जनसंख्या बता, आपको याद नहीं होगा, मैंने बताया अगर 10% 100% रहा होगा और 10% वृद्धि हो रही है तो 110% हो गया, और 100 से भाग देते थे, इस तरीके होता था 11 बटे जितने वर्ष बढ़ता था इतने वर्ष जो है इतना जो है जोड़ते थे, मतलब गुणा करते, सॉरी गुणा करते थे और हमारी संख्या हो जाती थी। इसीलिए मैंने तीन बार लिखा है, 1 2 3 तीन वर्ष के लिए, समझिएगा बस नोट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको लग रहा है कि आज आपको समझाने के चक्कर में क्वेश्चन बहुत ही कम ही हो पाएगा, क्योंकि आपको समझाने के चक्कर में कि हर तरीके से बताना पड़ रहा है, अभी दो ही तीन क्वेश्चन हुआ, टाइम भी हो गया है, समझ में आ जाएगा तो इस तरीके आप कर ले जाएंगे। एक टाइप क्वेश्चन और टेस्ट टाइप, थोड़ा टाइप और लेवल खा रहा हूँ, देखिए समझिएगा, 9,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज ब्याज वार्षिक ब्याज सॉरी वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह लेबर में चेंज किया हूँ, देखिए इसलिए लेबर उठाता हूँ, का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, सी आई क्या, ऑप्शन नोट कर लीजिए, ऑप्शन में 2200 रुपया, इसमें रुपया में होता है सब, अगर कहीं भूल जाते हैं तो आप भूलिएगा मत, 2253 रुपया, कहें कि रुपये खेल है, लाभ हानि हुआ ये भी हुआ, रुपये खेल है, 2353, समझिएगा, कुछ करना नहीं है, जिस तरीके मैंने बताया पिछली बार बताया था, आप थोड़ा नोट कीजिएगा इस चीज़ को, एक तरीके बता दें आपको फट से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इस तरीके आप नहीं लगाइए, थोड़ा सा समझिए, क्योंकि अभी तो इतना ज़्यादा लेवल नहीं उठाना है हमको, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जिस तरीके बताए हैं, अगर इसका 10% लाभ निकालेंगे तो 900 आएगा, 900 दो साल तक ये दिया क्या, दो ईयर इसके बाद 4 माह, लेकिन मैं 3 साल तक लिखा हुआ मत समझ लीजिएगा, अभी हम 4 माह का निकालेंगे, 4 माह निकालिए निकालेंगे किस तरीके निकालेंगे, 4/12, 4 के नाम 4, 4 3 12, मान लें कहने का मतलब
इतना वर्ष, वर्ष बदले इतना आएगा, और वर्ष बदलने के लिए इतना लाने के लिए आपको करना क्या है, इसमें 300 ही होगा, 1/3 है, अगर नहीं है आता है तो ये भी देख लीजिए। सब सारी चीज़ें बता चुके हैं लेकिन बार बार बताना पड़ रहा है आपको। 300 आया ब्याज। अब इसका इसका ब्याज ऐड होगा, आपका आंसर आ गया। बस पिछली बार इसका 10% 90 होगा, और इसका जो है 1/3%, यहाँ गलती मत कीजिएगा, 2 वर्ष 1/3 हो गया है, मतलब 2 वर्ष यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ माह में दे दिया है, आप कन्फ्यूज मत होइए कि आप कन्फ्यूज हो जाइए, ठीक है, समझिए, एकदम कन्फ्यूज मत होइएगा, बस आप समझिए। 10% दिया है और 10% को मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके करना है आपको, किस तरीके निकालेंगे, इस तरीके यहाँ तक पहले ऐड कर लीजिए, 9 × 18 = 1890, जिसे पिछली बार किया था अभी, 90 × 10% निकालिए, 100 × 1/3, ठीक है। इससे इससे काटिए, इससे इससे काटिए, इससे इससे भाग दीजिए, 36 × 18 = 63 = 63 करेंगे, मतलब 63 ऐड कर दीजिए, आपका सर आ गया 3 × 6 = 3 15 153 प्लस 9 × 18 = 21 आपका आंसर आ गया, जोड़ दीजिए 2253 2253 कहाँ है, कुछ करना नहीं है। दो वर्ष लिख दिए हैं मैंने अभी, पिछली क्लास में बताया था माह वाले लाभ हानि बताया था, इसके परसेंटेज बताया, सॉरी एसआई में नहीं बताए हैं, एसआई में क्योंकि हमको आगे बताना था, एसआई में नहीं क्लास नहीं है इसका, और इसमें लाभ हानि बताए हैं चीज़ें, क्योंकि इसको बता चुके थे, आगे बताना भी था, इसलिए माह वाला देखिए, माह से इसे भाग देंगे, इसके वर्ष बदलेंगे, वर्ष बदलने के बाद इसके बाद इसका ब्याज का 300 नोट करेंगे, 300 आय होगा, इसके बाद इसका जो है, इसका जो है जितना होगा इसका 10% निकालना है, 10% के अंदर 1/3 का निकालना है, 1/3 यहाँ कर दिया, इसका आंसर आ गया, इसका आपका इतना सही। देखें टाइम देख ले रहे हैं अभी, क्लास लंबी हो गई तो नेक्स्ट क्लास में इसको बताना होगा, क्योंकि देखिए आपको समझाना हमारा पर्पस, सिखाना हमारा पर्पस है, हमारा देखिए ना आपसे पेड बैच चला नहीं रहे, फ्री बैच चल रही है हमारी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अब यही है चीज़ है कि आप जितने भी लोग देखिए सभी लोग लाइक कीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे उत्साह बढ़ता है। इस तरीके मैं 2-4 क्वेश्चन आपको लगता है 2-4 क्वेश्चन बता, लेकिन इस तरीके डिफाइन बताते हैं कि आप 2-4 क्वेश्चन की जगह आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देखिए, बहुत ही तरीके अच्छे तरीके से बताते हैं, और प्रैक्टिस सेट के कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का छूट नहीं सकता, और मैं ऐसा कुछ चैप्टर है नहीं, कुछ चैप्टर बचा ही नहीं कि जो जिस टाइप मैंने बताया ही नहीं, बस आप समझिए। अगर कहीं होता है तो आप कमेंट बस बॉक्स में बताइए, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे यूथ सक्सेस प्रयागराज टेलीग्राम सर्च कीजिए और ऐड हो जाइए इस ग्रुप में, ठीक है। और इसी क्लास को यहीं हम एंड करते हैं, और सबक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मैंने जिस तरीके बताया उम्मीद मत छोड़िएगा, पढ़ते रहिए। एक दिन इतना जानिए कि जो कल है कल से बुरा आज नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा, और जितना हम अपने को करेंगे उससे ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, बस आप बने रहिए, ठीक है। इस क्लास को हम एंड करते हैं, जय हिंद, जय भारत, हम मस्त रहिए।